बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। 6 पार्ट स्टूडेंट्स, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट ई रेज टू पावर जेड वन, show that e raised to power z1 into e raised to power z2 into e raised to power zn is equal to e raised to power z1 plus z2 plus zn। हमें स्टूडेंट ये रिजल्ट शो करना है कि e रेज टू पावर z1, e रेज टू पावर z2, e रेज टू पावर zn वो इक्वल होगा e रेज टू पावर z1 प्लस z2 अप टू प्लस zn। जैसे हम बेसिक अलजबरा में पढ़ते हैं कि अगर बेस सेम हो, सेम बेसिस वाली टर्म्स डिफरेंट पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम मल्टीप्लीकेशन किस तरह करते हैं, हम एक ही बेस कंसीडर करके पावर्स को उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। तो इस रिजल्ट के थ्रू भी हमें यही शो हो रहा है स्टूडेंट के जो हमारे पास ez1, ez2 के अगर आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने बेसिक अलजबरा के रूल से ही उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल e को आपने सिंगल कंसीडर करके तमाम पावर्स को एड अप कर लेना है। अब स्टूडेंट हमने इस रिजल्ट को शो करना है तो वी विल शो इट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। वी विल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से स्टूडेंट इसको शो किया जाएगा। अब पहले स्टूडेंट हमने स्टेप वन में क्या करना है, हमारे पास तीन स्टेप होते हैं तो फर्स्ट हमने स्टेप वन में इसको प्रूव करना है फॉर एन इज इक्वल टू वन। सो पुट एन इज इक्वल टू टू के लिए, क्योंकि जब आप एन वन लेंगे वो तो एक ही ई रेज टू पावर जेड वन ही आएगा, इसलिए हमें मिनिमम एन को चूज करना है टू। तो पुट एन इज इक्वल टू टू। अब जब हम n इज इक्वल टू टू करेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को हम अब सॉल्व कर लेते हैं और राइट साइड को देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है n इज इक्वल टू टू के लिए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसकी हो जाएगी e z1 इंटू e z2 और ये हो जाएगा e z1 प्लस z2। फिर राइट हैंड साइड स्टूडेंट इसकी बन जाएगी e रेज टू पावर z1 प्लस z2। अब यहां से अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू टू। गिवन स्टेटमेंट Pn is true for n is equal to 2। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमें इसको k के लिए ट्रू सपोज करके k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना होता है। तो स्टेप 2 में हमने शो करना है कि स्टेप 2 में हम सपोज करेंगे सपोज पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू
के, दैट इज आपके पास e रेस टू पावर z1 इंटू e रेस टू पावर z2, e रेस टू पावर z3, e रेस टू पावर zk इज इक्वल टू e रेस टू पावर z1 प्लस z2 प्लस zk। k के लिए स्टूडेंट हमने उसको ट्रू मान लिया और फिर इसी के जरिए से स्टेप थ्री में हमें इसको प्रूव करना है फॉर के इज इक्वल टू सॉरी फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। नाउ वी विल प्रूव दैट we will prove that pn is true for n is equal to k plus 1। हमने इसको true show करना है इस result को for n is equal to k plus 1। that is हमें क्या show करना पड़ेगा student, फिर इसका मतलब है हमें शो करना है e रेस टू पावर z1, e रेस टू पावर z2, e रेस टू पावर z3, e रेस टू पावर zk इंटू e रेस टू पावर z k प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू e रेस टू पावर z1 प्लस z2 प्लस zk प्लस zk प्लस 1। ये रिजल्ट स्टूडेंट हमें प्रूव करना है। तो अब क्या कर देते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे और राइट हैंड साइड तक हम लोग मूव कर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी टेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ई जेड वन इंटू ई जेड टू इंटू ई जेड थ्री इंटू ई जेड के इंटू ई जेड के प्लस वन। अब स्टूडेंट ये रिजल्ट हमें के तक के लिए तो ट्रू है, इसका मतलब के तक के लिए हम इसको जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड के लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर जेड के प्लस वन। अब स्टूडेंट ये रिजल्ट जो है वो हमारे लिए, हमने स्टेप वन में फॉर एन इज इक्वल टू टू यानी कि दो नंबर्स के लिए भी ये ट्रू है। तो लेट से हम ऊपर जो e की पावर पे z1 प्लस z2 प्लस zk लिखा हुआ है उसको z सपोज कर लेते हैं और ये दूसरा e zk प्लस 1। तो अब ये दो नंबर स्टूडेंट आपके पास बन गए हैं। तो अब हमने यहां पर सपोज किया वेयर z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस zk। अब चूंकि स्टेप वन के थ्रू स्टूडेंट रिजल्ट हमारा दो के लिए भी ट्रू है, तो अब ये दो नंबर हैं, अब इनको भी आपस में ऐड कर देते हैं। तो e रेस टू पावर z प्लस z k प्लस वन। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं कि z तो हमने क्या लिया हुआ है, z1 प्लस z2 प्लस zk, उसकी जगह पर ये वैल्यू लगा देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल हो जाएगी और इस तरह ये भी शो हो जाएगा कि ये के n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया है। z की जगह पर लगा देते हैं z1 प्लस z2 प्लस zk प्लस zk प्लस वन और ये स्टूडेंट किसके इक्वल आया, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो इससे मुराद हुआ कि सो गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। तो इस तरह हमारा जो हमारी जो स्टेटमेंट है पी एन दैट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर एन। This implies that Pn is true for all
इंटीजर एन। तो स्टूडेंट मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए से हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर लिया। पहले हम लोग जो है वो n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव किया, फिर उसके बाद n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करके वहीं से रिजल्ट निकाला n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, उसी को ही यूटिलाइज करके n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू शो करवा दिया। तो इस तरह हमें जो गिवन स्टेटमेंट थी दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, या वी कैन से दैट फॉर ऑल इंटीजर, तमाम इंटीजर के लिए ये हमारे पास ट्रू है रिजल्ट। अब नेक्स्ट हम इसका 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 पार्ट भी बहुत इजी है स्टूडेंट। 7 पार्ट में हमें शो करना है e रेज टू पावर z n इज इक्वल टू a e रेज टू पावर z n, वेयर n क्या है, n बीइंग अ इंटीजर, n जो है वो एक इंटीजर है स्टूडेंट, n बीइंग एन इंटीजर। अब अगर इस पे भी स्टूडेंट आप गौर करें तो e की पावर z है और उसकी पावर n आ रही है। जैसे हम बेसिक अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो दोनों पावर्स भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब अगर एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर की भी पावर के ऊपर पावर आ रही है तो वो पावर भी मल्टीप्लाई होगी, ये रिजल्ट हमें बता रहा है। तो अब हमने सपोज कर लेना है कि z हमारे पास स्टूडेंट यहां पर किसके इक्वल है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस iota y, z हमारा x प्लस iota y के इक्वल सपोज कर लिया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। नाउ वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू e रेज टू पावर z n। अब आप e की पावर पे z की वैल्यू लगाएं तो x प्लस iota y होल पावर n, इसको आप तोड़ के लिखें स्टूडेंट, ई एक्स इंटू ई आयोटा वाई रेस टू पावर एन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम ई आयोटा वाई आयलर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ई एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई होल पावर एन। अब आप ये पावर अलग अलग कंसीडर कर लें, e रेस टू पावर एन एक्स हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, और इनटू यहां पर ये कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई पावर एन, ये सिचुएशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई को अगर हम इसके ऊपर डिमोवियर थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो डिमोवियर थ्योरम से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये e रेस टू पावर एन एक्स इंटू कॉस एन वाई प्लस आयोटा साइन वाई साइन एन वाई, क्योंकि n जो है पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाया करती है बाय डिमोवियर थ्योरम। तो वही काम किया है। अब आप स्टूडेंट इसको अगेन e की पावर में लिख सकते हैं, यानी कि आप अगेन इसको फॉर्मूला बना देंगे आयलर फॉर्मूला, लेकिन अब आपके पास e की पावर में आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एंगल एन वाई आ रहा है तो आयोटा एन वाई आ जाएगा यहां पर, e रेस टू पावर एन एक्स e रेस टू पावर आयोटा एन वाई। अब हमने लास्ट रिजल्ट पढ़ा अभी कि अगर बेसिस सेम हो e की तो आपने पावर को आपस में एड अप कर देना है, तो ये एन एक्स प्लस आयोटा एन वाई हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम n को कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, n कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा x प्लस आयोटा वाई, और अब x प्लस आयोटा वाई स्टूडेंट किसके इक्वल हुआ, z के इक्वल है तो e रेस टू पावर एन जी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे दैट इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, और यहाँ से हमें मालूम हुआ कि ई रेस टू पावर जेड होल पावर एन इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एन इंटू जी, ई रेस टू पावर जेड होल पावर एन इज इक्वल टू ई एन जी, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।